मम्मी ने आपका रिश्ता भेजा सलमा के लिए। पर आप होती कौन है मुझसे बिना पूछे रिश्ता तय करने वाली? पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है बिलाल के, हमने आपको रंगरेजा में देखा तो वो एक बहुत मासूम से शख्स का और बहुत एक शाय नेचर एक बंदे का कैरेक्टर था कासिम का। फिर हमने जब आपको प्यार के सबके में देखा तो वो अगेन एक बहुत मुख्तलिफ कैरेक्टर था, वो बंदा स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, लेकिन एक तरह की मजबूरी उसमें, मासूमियत अगेन थी। चीख में तब देखा दैट वॉज अगेन an entirely different character. तो लोगों के लिए predict करना अब बहुत मुश्किल है कि अब बिलाल अब्बास हमें किस तरह के किरदार में नजर आएंगे। आपके ट्रेलर में थोड़ी बहुत झलक तो नजर आ रही है, Z5 पे आपका ये सीरीज आ रही है, एक झूठी लव स्टोरी, इस किरदार के बारे में ट्रेलर से के अलावा अगर आप हमें थोड़ा सा कुछ बता सके। थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, रियली मींस अ लॉट। ये बात मैं यहाँ पे वैसे अमूमन सुन रहा होता हूँ कि आपने प्यार के साथ किया, चीख किया, आप नेक्स्ट क्या करने लगे, नेक्स्ट कौन सा आप डिफरेंट स्केल पे जा रहे हैं, बट मैं हमेशा सबको अब यहीं पे इंद्रो मेरा यही जवाब है कि ये इस बार जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ ये बहुत सिंपल है, बहुत रियलिस्टिक है, ये कोई बिल्कुल भी चैलेंजिंग या मेरे कंफर्ट जोन से बाहर वाला कैरेक्टर नहीं है। ये एक सिंपल कराची का लड़के का कैरेक्टर है। मेरे कैरेक्टर का नाम सुहेल है जो कि एक बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। घर में ऐसे उसकी एक अम्मी है, एक बहन है और वही उसकी एक लाइफ है। और अपनी क्योंकि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, अपने लाइफ को बहुत अमीर आदमी बनना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, एक अच्छी लाइफ पार्टनर की तलाश में है कहानी में। लेकिन कई बार आर्टिस्ट ये भी कहते हैं कि एक सिंपल सा कैरेक्टर जरूरी नहीं है कि उसको निभाना भी उतना ही सिंपल और आसान हो, ये किस हद तक सच है? ये सच है बिकॉज ये मेरे केस में तो मैं क्योंकि मैं चीख जब कर रहा था, चीख करते हुए मुझे कहीं ना कहीं मुझे एंजॉय कर रहा था इस तरह के नेगेटिव कैरेक्टर को, इट वाज आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। उसकी तैयारी अलग होती है, प्यार के सबके की तैयारी अलग थी। अक्सर जो सिंपल कैरेक्टर्स होते हैं उनके रेफरेंस पॉइंट आपको नहीं मिलते हैं, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी का कुछ ट्रेट उसके अंदर इनपुट करना पड़ता है, मगर वो बड़ा कॉन्शियस रहते हुए कि बड़ी थिन लाइन है वो, कि वो ओवरबोर्ड भी आप ना जाओ, अगर आप किसी के रेफरेंस वो कैरेक्टर लूज ना लगे, कोई दूसरा कैरेक्टर ना लगे। तो मेरे लिए हमेशा जो सिंपल किरदार होते हैं वो हमेशा मेरे थोड़े से मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होते हैं, मगर ये वाला किरदार थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इसकी बीट्स थोड़ा सा सब पकड़ना मेरे लिए मुश्किल थी। पर जिस तरह मैंने कहा कि कराची का कैरेक्टर है, कराची की लड़की का कैरेक्टर है, तो वो उसने आधा काम मेरा वहां इजी कर दिया था। देन मैं काम कर रहा था मेहरीन जब्बार के साथ पहली बार, तो वो बहुत ग्रेट हेल्प थी सेट पे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत उनसे मैंने बहुत सीखा है। तो उन स्क्रिप्ट जिस तरह का मेहरा अहमद ने लिखा है, इतना सिंपल स्क्रिप्ट है, इतनी खूबसूरती से कैरेक्टर को लिखा है कि वो इटसेल्फ पढ़ते हुए, जब शूट करने से पहले मैं पढ़ रहा था, मुझे एक्साइट उस टाइम पे एक्साइटमेंट भी आ रही थी एंड समहाउ कहीं ना कहीं मैं विजुलाइज कर रहा था कि ये सीन मैं इस तरह करूंगा, ये सीन मैं इस तरह करूंगा। सो इट्स दैट सिंपल। आपने OTT प्लेटफॉर्म्स की बात की, Z5 पे ये सीरीज आ रही है, ड्रामों में काम करना और एक्चुअली OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए जो सीरीज बन रही हैं, अब बनना शुरू हुई है पाकिस्तान में भी, कितना मुख्तलिफ है फॉर एन आर्टिस्ट तजुर्बे के एतबार से, क्या कुछ फर्क है? फर्क बिल्कुल है और काफी फर्क है, बिकॉज जिस तरह की कहानियां हम ड्रामों में दिखाते हैं, जिस तरह की उन कहानियों की एग्जीक्यूशन होती है, जिस तरह उन कहानियां का स्क्रीन प्ले होता है, जिस तरह कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, और जिस तरह OTT के लिए चीजें स्टोरी स्क्रीन प्ले कैरेक्टर राइटिंग दोनों में बहुत फर्क है, राइटिंग में बहुत बड़ा फर्क है, उसकी एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा फर्क है। परफॉर्मेंस में मैं ये नहीं कहूंगा परफॉर्मेंस में ही बहुत फर्क होता है, क्योंकि मेरे लिए आई एम श्योर दूसरे एक्टर्स के लिए शायद दूसरे एक्टर्स आपको अलग जवाब दे, मेरे लिए हमेशा इट्स ऑल अबाउट कि ये एक सिंपल किरदार है मेरे लिए। अब वो किरदार इट डजेंट मैटर वो ड्रामों का है, वो OTT प्लेटफॉर्म का है, वो फिल्म का है, मेरे लिए अगर वो स्टोरी है, वो किरदार है, मैं उस किरदार के माइंडसेट को पकड़ता हूँ। आपको नए एक्टर्स में वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग फेसेस के तौर पर देखा जाता है, बहुत कम अरसे में आपने बहुत जबरदस्त काम कर लिया है, आपके रेफरेंसेस क्या रहे हैं, कोई ऐसे अदाकार जिन्होंने आपको बहुत मुतासिर किया हो? यू नो पाकिस्तान में आई वर्क्ड विद सम रियली गुड एक्टर्स, नुमान एजाज, सज्जल, सबा, यमुना, आई एम वर्किंग विद मदिया, सो मैं इनसे इंस्पायर हो रहा होता हूँ, मैं जो फिल्म देख रहा होता हूँ हर अच्छे एक्टर से मैं कहीं ना कुछ सीख रहा होता हूँ। आपने कहा आप फिल्में बहुत देखते हैं, किस तरह की फिल्में बहुत देखते हैं? मैं हर किस्म की, मैं बहुत सारी इंडियन मूवीज भी देखता हूँ, मैं ये वेब पे शोज भी बहुत देख रहा होता हूँ, कोई स्पेसिफिक मेरा टेस्ट नहीं है, आई थिंक जो चीज मुझे क्लिक कर जाए, सो आई जस्ट
मैं वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप सीख रहे होते हो। का ऐसा नहीं है कि आप किसी एक्टर के बेटे हैं, आपकी माँ का ताल्लुक इंडस्ट्री से हुआ, ऐसा भी नहीं है? तो कई बार लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी इस बात की होती है कि बिलाल कौन है, हु इज बिलाल, कहाँ से आए हैं और अचानक हम इतना वर्सेटाइल काम देखने लगे, इतनी मोहब्बत लोग आपको करने लगे, बट हार्डली शायद थोड़ा बहुत लोगों को ये पता है कि आपका ताल्लुक कराची से है, पर उसके अलावा थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं मैं कैसे एक्टर बन गया? आप कैसे एक्टर बन गए, क्योंकि रातों रात कोई नहीं बन जाता है, और स्पेशली जिस किस्म का कि आपकी अदाकारी है, जिस किस्म का काम है। जी, मैं हमेशा से, मेरा शौक था स्टार्ट से, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर। ये मेरा एक, जब मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं भी थी, जब मैंने ये एग्जैक्टली सोचा नहीं था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लूंगा, बट मुझे शौक बचपन से था। क्योंकि मैं फिल्म्स बहुत देखता था, फिल्म्स का एक मुझ पर बड़ा एक इन्फ्लुएंस रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक्साइटमेंट थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, थिएटर से मुझे एक एक्टिंग का मैंने एक अलग डायमेंशन एक्सप्लोर की, और वो डायमेंशन इस तरह डिफरेंट थी कि मुझे फेमस होने का शौक कभी भी नहीं था, और ना मुझे ये था कि मैं स्टार बन जाऊं। मुझे कुछ नहीं पता था स्टार कैसे बनते हैं, फेमस क्या होता है, कि आप क्या सिचुएशंस आपकी किस तरह की होगी। तो मैं थिएटर करता रहा, और उस थिएटर से मुझे एक्टिंग का हमेशा शौक रहा था। कई बार ऐसा होता है कि सारी दुनिया तो आपकी बहुत तारीफ कर रही है, लेकिन घर में कोई ना कोई ऐसा फर्द जरूर होता है जो आपके काम में पर तनकीद करता है, लेकिन उसकी तनकीद एक तरह से आपके लिए पॉजिटिव होती है और फायदेमंद होती है। तो आपके घर अच्छा, में, फैमिली में कोई ऐसा है? मैं आपको दो बातें कहूंगा। आपने जो बात बोली ना, पूरी दुनिया तारीफ कर रही होती है, घर में मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, मेरी चीज इम्पोर्टेंस ओहो नहीं। तो वो एक ओहो, मिसाल है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो दाल बराबर। मेरे मेरे केस में फॉल करती है। और दूसरा, जहां तक ओपिनियन और क्रिटिकल फीडबैक की बात है, तो मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी बहुत मूवीज देखते हैं, बहुत फिल्म्स देखते हैं, और मुझसे ज्यादा देखते हैं। उनको देख देख के तो मुझे शौक हुआ था। वो बहुत मुझे क्रिटिकल फीडबैक देते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स पे लेके। आपकी जो अपीयरेंस है बिलाल, वो बहुत एक पॉजिटिव और एक बहुत हीरो लाइक है, और आप ने नेगेटिव किरदार भी किए, और मैं ये कहूंगी कि उसमें जरा सा भी ये शक नहीं हुआ कि नहीं, ये बंदा नेगेटिव नहीं हो सकता है, मिजाजन, या है ना, तो बहुत कन्विंसिंग आपकी अदायगी थी। लेकिन क्या रिस्की होता है किसी एक्टर के लिए शुरुआत में इस तरह के कैरेक्टर्स करना? जब मुझे लोगों ने जब ये बात बोली थी कि मत करो, कि चीख करोगे, टाइपकास्ट हो जाओगे, एक ये लीप ऑफ फेथ ही था मेरे एंड से कि यार करके देखते हैं। मुझे पता है कि मैं सेल्फ बिलीव है मेरे अंदर, इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस बट सेल्फ बिलीव है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा। तो जितने ट्राई करते हैं कि अगर मैं खुद सेटिस्फाई हो रहा हूँ, ये जरूरी है। भी आपके पर्सनल इंटरव्यूज देखे हैं मैंने, आप एक बहुत शाय किस्म के शख्स लगते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर कैरेक्टर्स। क्या क्या ऐसे में किसी एक्टर के लिए प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को वो कन्विक्शन दिलाना, वो यकीन दिलाना कि वो कुछ भी कर सकता है, थोड़ा मुश्किल होता है? बहुत बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज जब आप शाय होते हो, आप इंट्रोवर्ट होते हो। मैं शाय नहीं कहूंगा अपने आप को, मगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं हमेशा से मेरे हमेशा बहुत मैं इतना आउटगोइंग नहीं रहा हूँ, मेरे बहुत लिमिटेड दोस्त हैं, और ये मेरी पर्सनालिटी शुरू से ऐसे रही है। तो मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज लोग आपको सीरियस नहीं लेते। तो मेरे साथ ही हमेशा रहा है कि लोगों ने, प्रोड्यूसर्स ने स्टार्ट में मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दी ना, इतना सीरियसली, उनको बस ये लगता था कि तो ऐसे ही बोल रहा है। बट आई थिंक इंसान की पहचान काम से होती है, और जब काम देखा है उन्होंने, तो उनको फिर रियलाइज हुआ है कि जरूरी नहीं है कि हर बात करने वाला इंसान ही काम वाला इंसान हो, अगर मैं सेंस क्रिएट कर रहा हूँ। You're making absolute sense. एक आखिरी सवाल, आपके ट्रेलर में बहुत, by the way, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, आपकी और मदिहा की केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त लग रही है, और सीनियर एक्टर्स भी इसमें हैं जो जबरदस्त नजर आ रहे हैं। आपके किरदार का जितना समझ में आता है कि वो लड़की से जब चैट करता है तो उसको उसकी खूबसूरती पसंद आती है, जो तस्वीर उसने लगाई है, या उसका अंग्रेजी बोलना बहुत पसंद आता है, इस उम्र में हम तरह तरह की चीजों से मुतासर होते हैं और लोगों को पसंद करते हैं, जाती तौर पर किस तरह के लोग आप को अट्रैक्ट करते हैं, आप को उनमें दिलचस्पी होती? इस तरह की ख्वातीन की बात कर रही हैं आप? अगर आप जवाब देने के लिए तैयार हैं तो सवाल मेरा यही नहीं है। नहीं बेसिक चीज होती है, वो है सेंस ऑफ ह्यूमर और इंटेलेक्ट। मैं सुहेल से
काफी जगह पर रिलेट कर सकता हूँ मगर इस जगह नहीं रिलेट कर सकता सिर्फ, या तो मेरे लिए सेंस ऑफ ह्यूमर और आई थिंक ये चीज ज्यादा मैटर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक और मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। मैं उम्मीद करूंगी कि थैंक हम यू फ्यूचर में फिर बात करें। थैंक यू बिलाल, विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच थैंक यू।